आज ये सिर्फ गौतम बुद्ध नगर जिले में ही प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और चूंकि देश में जो माहौल बन पड़ा है, ये तो सिर्फ एक बानगी है कि अमित शाह ने 750 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जैसे ही ये खबर आई, वो RTI की कॉपी मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आई, तो सरकार ने प्रेशर डाल करके वो खबरें वहाँ से हटवाने का काम किया। मीडिया हाउसेज जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दबाने का प्रयास किया और ये लोग कर ही रहे हैं। तो ये तो एक बानगी है, हमें पता है कि 750 करोड़ की बात नहीं, ये 75,000 करोड़ 75,000 लाख करोड़ की बात है। अमित शाह इन लोगों ने देश में जो आर्थिक रूप से अराजक माहौल पैदा कर दिया है, सामाजिक रूप से जो अराजक माहौल पैदा कर दिया है, राजनीतिक रूप से जो देश को अस्थिर करने का ये लोग काम कर रहे हैं, इनके मंसूबे में ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत साफगोई के साथ जनता के दिलों में बसने वाले नेता हैं और उन्हीं के निर्देशन में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और सभी कांग्रेस के राहुल गांधी संघर्ष करने का काम करेंगे। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, दिन इनके लद चुके हैं, सिर्फ इनके लिए अब एक मकाम, एक दरवाजा बाकी है, जेल का दरवाजा। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, इनको जेल में ठूसने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो अहमदाबाद सहकारी बैंक के डायरेक्टर हैं, जब नोटबंदी हुई उसके 5 दिनों के अंदर उसमें 750 करोड़ रुपए काला धन जमा हुआ, जिसको इन लोगों ने सफ़ेद करने का काम किया। हम युवा कांग्रेस गौतम बुद्ध नगर के युवा साथियों ने, हम लोगों ने इस अमित शाह के खिलाफ में यहाँ विरोध प्रदर्शन किया और उसका पुतला जलाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ का जो शासन प्रशासन है, जो हम लोगों को लोकतंत्र में अधिकार है कि हम लोग इफिशेंसी बन करके या विरोध प्रदर्शन करके हम पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको दबाने का काम यहाँ शासन प्रशासन ने किया। एक आम आदमी को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना, ये भी इस सरकार में अब एक आम आदमी के लिए मुश्किल बहुत है। तो हम लोगों ने अमित शाह का पुतला जलाने की कोशिश करी और हम लोग नरेंद्र मोदी जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक तरफ तो बात करते हैं कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। आपके नाक के नीचे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 750 करोड़ का काला धन को सफेद करने का काम किया है। हम यूथ कांग्रेस के साथ ये मांग करते हैं कि अमित शाह को तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाए। कांग्रेस इस मुद्दे को और भी बिल्कुल, यूथ कांग्रेस के साथी पिछले 4 वर्षों से जब जब इस देश के लोकतंत्र पे खतरे की बात आई है, इस देश में अराजकता का माहौल फैलाने का इस भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी है। यूथ कांग्रेस का एक एक साथी राहुल गांधी के निर्देश पर इन लोगों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। जहाँ तक आगे की लड़ाई है, तो हमारी पार्टी यहाँ से लेके, यूथ कांग्रेस हम यहाँ से लेके और दिल्ली संसद तक इसका विरोध करेंगे, और जब तक ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बर्खास्त नहीं कर देते, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा।